की बात हुई और कुछ आरोप लगाए गए, इन आरोपों में आप कितनी सच्चाई मानते हैं और क्या जो आरोप हैं उनमें जो बात कही गई कि ये पर्टिकुलर जो पीजी है सर्जिकल पीजी और ऑपरेशन के दौरान सीने में छूट गई थी, इस तरह की बात नहीं? जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल मिथ्या है, निराधार है। पहली चीज, ये जो कैंची की उनको जो मिली है वो सर्जिकल कैंची नहीं है, जिसके कि तथ्य अपन आप या कोई भी व्यक्ति सामान्य आदमी गूगल करके भी देख सकता है कि वो कैंची एक सामान्य घर में काम आने वाली या नाई के पास काम आने वाली इनमें से कोई भी हो सकती है, सर्जिकल कैंची इस तरीके से नहीं होती है। दूसरी चीज़, यदि सर्जिकल कैंची या कोई भी मेटल का पदार्थ यदि बॉडी के साथ जलता है तो इतना टेम्परेचर होता है जलते हुए कि वो डीफॉर्म होगा, उसकी शेप बिगड़ जाएगी, वो उस कैंची में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तीसरी चीज, उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये तो ऐसा हो गया, सर्जरी कर ली, वो कर ली, सब कुछ प्रॉपर कंसेंट लेके जो आवश्यक कार्यवाही होती है उसके तहत की गई है। जहाँ तक कैंची छूटने का है, इसका दूसरा एविडेंस ये है कि हमारे यहाँ पे जब भी ऑपरेशन होता है तो उसके पहले और बाद में एक चेकलिस्ट होती है जिसमें हर एक चीज़ की काउंटिंग होके टिक किया जाता है कि हाँ ये कंप्लीट है या नहीं है, उसी के बाद मरीज बाहर शिफ्ट होता है। एक और तथ्य इसमें यह है कि जितने भी एक्सरे ऑपरेशन के बाद किए गए छाती के, उन सब में कोई भी इस तरह का कैंची की शेप का मेटल का पदार्थ नहीं दिख रहा है। सिर्फ जो स्टील वायर स्टर्नम को जोड़ने के काम में लिए जाते हैं सिर्फ वो दिख रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, और जिस तरीके से मेरे साथ फ़ोन के द्वारा या जिस तरीके से बात की गई वो मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास है और एक एक्सट्रॉशन का उनका तरीका है। अच्छा सर, आप लोगों ने ऑपरेट कब किया था और उसके बाद एक्सरे कब कब लिया गया? कुछ ऑपरेशन इनका 30 तारीख को हुआ था, 30 तारीख के ऑपरेशन के इमीडिएट बाद 1 घंटे बाद एक्सरे होता है, उसके अगले दिन फिर एक्सरे हुआ, ऐसे करके 12 तारीख तक उनके कम से कम 7 या 8 एक्सरे हुए हैं छाती के। मरीज की ओल्ड एज और मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट की वजह से मरीज की तबीयत बिगड़ती गई, जिसमें कि आवश्यकता अनुसार जिन जिन स्पेशलिस्ट की सेवाएं लेनी थी उनका परामर्श लेके जो जो दवाइयाँ या ट्रीटमेंट करना चाहिए था वो सब किया गया, परंतु अंततः हमें सफलता हासिल नहीं हुई। ठीक है, आपका नाम डेजिग्नेशन बोल दीजिए सर एक बार। मैं डॉक्टर राकेश चित्तौड़ा, डायरेक्टर एडल्ट कार्डियक सर्जरी फोर्टिस जयपुर। अच्छा एक चीज़ और जोड़ दीजिए कि आगे आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? मैं कानूनी कार्रवाई, जिस तरीके से मुझे डिफेम हुआ, मेरा ये डिफेमेशन हुआ, वो उसके लिए मैं जो भी आवश्यक न्यायोचित जो भी कार्रवाई होगी मैं उसकी तैयारी करता हूँ। मैं डॉक्टर रजनीश शर्मा, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट जयपुर जोन स्टेट IMA। कभी भी डॉक्टर या इलाज से संबंधित कोई बात होती है तो जैसे इस केस में ऐसा हुआ है, अकस्मात ही कैसे डाली गई वो कैंची उनको मिल गई, उसके बाद उन्होंने एक कहानी को गढ़ लिया और एक आरोप इतने पुराने डॉक्टर पे जो पहले दिल्ली एस्कॉर्ट में काम कर रहा था और अब यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक फोर्टिस हॉस्पिटल में काम कर रहा है, जो कि इलाज के दौरान अपने गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए जाने जाते हैं कि अगर वहाँ कोई काम होता तो चेकलिस्ट होती है, प्रोटोकॉल बना होता है, ऑपरेशन से पहले का एक्सरे होगा, ऑपरेशन के बाद का एक्सरे होगा। वहाँ पे केवल एक चिकित्सक नहीं होता कि वो भूल कर जाए, उसके पीछे एनेस्थेटिस्ट होता है, उसके पीछे फिजियोथेरेपी, चेस्ट की फिजियोथेरेपी कराने वाला आदमी होता है, तो ऐसी बात नहीं कि ये हो जाए। तो इस प्रकार से जो वाकया हुआ और उसमें इस प्रकार का बवंडर सा मच गया, तो वो एक डॉक्टर की छवि को, अस्पताल की छवि को धूमिल करता है और सबसे बड़ा वो एक जो मरीज है उसके विश्वास को तोड़ता है, क्योंकि मरीज भगवान को नहीं देखता, वो कहता हमने डॉक्टर को देखा है। और इस प्रकार के वाक्यों से जब लोग लालच के कारण से ऐसा काम करते हैं तो सबसे पहले मरीज जो कि जान बचाने के लिए आता है उसको सबसे बड़ा धक्का पहुंचता है। स्टेट IMA इस मामले की पूरी भर्त्सना करती है और जो भी संतप्त हमारे डॉक्टर हैं और अस्पताल हैं उनके साथ हैं और पूरी एक न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। आप सभी मीडिया बंधुओं से भी हमारा अनुरोध है कि सत्यता के लिए आप काम करें और डॉक्टर जो एक नोबल प्रोफेशन है वो अपनी सेवा भाव के लिए जाना जाए। नमस्कार। इसी रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं और हमसे आप लोग प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं और हम भी मीडिया से प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि आप खबरों की ड्यू डिलीजेंस एक बार करें, क्योंकि ड्यू डिलीजेंस भी नहीं, वो आउटराइटली कोई भी व्यक्ति देख के कह सकता है कि वो कैंची पहली बार सर्जिकल कैंची हुई है। दूसरी बात ये कि वो डिफॉर्म नहीं हुई है, सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर ऑल मेटल्स टेंड टू डिफॉर्म नहीं हुई है। तीसरी बात ये है कि जो भी आरोप था उसको एक खबर की भांति अगर लिखा गया तो इससे एक
इतने सीनियर डॉक्टर हैं, इतने सालों से कार्डिक सर्जरी कर रहे हैं, तो वो आदमी होते हैं और चिंतित भी होते हैं कि इतने साल का अगर मेरा एक रेपुटेशन है, एक प्रोफेशनल रेपुटेशन है, वो टार्न हो जाता है, एक बार में टार्निश हो जाता है। और आखिरी बात मेरी यही है, तो जब कभी भी इस बात का क्लैरिफिकेशन तो आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगी, घटना की जांच भी हो जाएगी, स्टेट ने भी कमेटी बनाई है, तो जो भी जांच होगी सच सामने आ जाएगा। लेकिन जब सच सामने आएगा वो टाइम पे ये खबर चार कॉलम में नहीं छपी जाएगी, उस टाइम में छोटा सा एक एरेटा आ जाएगा कि इसमें बरी हुए, निर्दोष सिद्ध हुए। जो तो इसलिए हमको ये लगता है कि हम लोग इतने साल इतनी मेहनत करके, इतनी ईमानदारी से अपने प्रोफेशनल उसको प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हुए काम करते हैं, वो एक छोटी सी घटना से, एक छोटी सी खबर से इस तरह से आ जाता है, तो वो